नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरे का बहुत ही टेस्टी सा दोपहर वाला नाश्ता, जो आप यात्राओं पे जाते हैं तो ठेले पे लगा करके सब लोग बेचते हैं। आप उसे खरीद कर खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। उससे भी टेस्टी आज हम घर पर भेल भाल बना करके तैयार देखिए करें। कितना कितना सुंदर लग रहा है भेल भाल। तो इस तरह का भेल भाल बनाने के लिए चलिए आपको बताते हैं, तो बनाना शुरू करते हैं इसे दोस्तों। भेल भाल बनाने के लिए हमने ले लिया है मुरमुरा। यहाँ हमारे यहाँ इसे भुजा भी कहते हैं, आप देख सकते हैं। भेल भाल को हमने हेल्दी बनाने के लिए लिया है। अंकुरित चना है, पीली मटर है, भिगोकर दोनों को हमने ले लिया है। सेब है, आलू सेब है, और ये नींबू का रस है। इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए हमने लिया है हरा मिर्च काट के बारीक बारीक, धनिया पत्ता है, प्याज है बारीक बारीक कटा हुआ, जीरा है जिसे हम तड़का लगाएंगे, लाल मिर्च है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने रख दिया है गैस पर कढ़ाई, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। हम डाल देंगे इसमें मटर। पहले थोड़ा सा हम मटर को भूनेंगे। मटर हमने डाल दिया है, अच्छे से इसे भून लेते हैं। मटर हमारा भून चुका है, आपको दिखा रहे हैं। एक देखिए, ऐसे तोड़ेंगे तो फूट जाएगा, इसे निकाल लेते हैं। आप इसे नमक में भी भून सकते हैं। चने को भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है, इसे भी भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे। चना भी हमारा भून चुका है, देखिए चना हमारा अच्छे से फटने लगा, आपको दिखा दें इस तरह होना चाहिए। निकाल लेते हैं चने को। मटर और चने को हमने भून करके निकाल लिया है। अब गैस पे रख देते हैं कढ़ाई और करेंगे हम मुरमुरे को फ्राई। गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम फ्राई करेंगे मुरमुरे को। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे जीरा। जीरे को थोड़ा चटकने देते हैं। लाल मिर्चा हम डाल देंगे। दोस्तों भेल भाल बहुत जगह बिना फ्राई किए ही बनाया जाता है, लेकिन आप अगर फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसमें डाल देते हैं मुरमुरे को, इसे मिला देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से फ्राई जब किया जाता है तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, और अगर हमारा मुरमुरा थोड़ा सा नरम है वो भी कुरकुरा हो जाता है। दोस्तों अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं। मुरमुरा हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक को हम अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम हम बहुत धीमा रखेंगे। मटर चना जो हमने भून कर रखा हुआ था इसे भी डाल देते हैं। प्याज हम डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देते हैं साथ में। इसमें डाल देंगे हम भुजिया नमकीन, धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। थोड़ा सा हम चटपटा बनाने के लिए डालेंगे नींबू का रस, मिला देंगे अच्छी तरीके से सभी को। गैस को हम बंद कर देते हैं। हमारा बहुत अच्छे से भेल भाल बन करके तैयार है। इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। भेल भाल हमारा बन करके तैयार है दोस्तों। हमने इसे धनिया पत्ता और चिप्स से सजा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर बच्चे आपसे मांगे भेल भाल खाने के लिए होता है, तो बच्चों को खुश करने के लिए आप इस तरह से हेल्दी और टेस्टी भेल भाल बना सकती हैं घर पर ही। तो इसे भर लेते हैं हम कोन में। दोस्तों हमने भेल भाल को बना करके कोन में भर लिया। इस तरह से आप घर पर भेल भाल बनाइए। आपको यह रेसिपी कैसी लगी? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।